मंथन का 1 साल पूरा होने पर फेसबुक के जरिए हमें आपके ढेर सारे बधाई संदेश मिले हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फेसबुक के साथ हमसे जुड़े रहने के साथ साथ मंथन की सभी रिपोर्टें आप YouTube पर भी देख सकते हैं। कीवर्ड्स दें DW और मंथन। घोड़ों और हाथियों के एक लंबे कारवां के साथ सफर करते राजा महाराजा, या फिर खिड़कियों से बादलों को ताकती बड़ी बड़ी आंखों वाली राजकुमारी, भारत में लघु चित्रों यानी मिनिएचर पेंटिंग्स की पुरानी परंपरा रही है, जिसके जरिए राजपूत महाराजाओं और मुगलों के जीवन को समझा जा सकता है। कुछ इसी तरह की परंपरा तुर्की में भी है। चावल के छोटे से दाने पर भी कला का हुनर देखा जा सकता है। इस्तांबुल के बीचों बीच गलाता मीनार, मैं देखी एक पट्टी पर। इस्तांबुल को दो टुकड़ों में बांटता बॉस्फोरस सागर का तट। माचिस की तिली के सिरे पर किस कुलेसी यानी किशोरी मीनार। तुर्की के कलाकार हसन काले छोटी से छोटी चीज पर भी एक तस्वीर बना सकते हैं। हयातımızın içinde ne kadar önemli olduğunu aslında vurgulamak. ये रोजमर्रा की चीजें हैं जिन्हें हम भूल जाते हैं, जिन पर ध्यान नहीं देते। मेरी कला के जरिए मैं इस बात पर लोगों का ध्यान खींचना चाहता हूं कि ये छोटी चीजें कितनी सुंदर हैं। मैं खुद अपने लिए मुश्किल चीजें खोजता हूं। ये जरूरी नहीं कि ये कितने छोटे हैं, जरूरी यह है कि इन्हें जिंदा किया जाए और देखने वालों को अच्छा लगे। हसन काले को अपने शहर इस्तांबुल की तस्वीरें बनाना पसंद है, जैसे चीनी की इस डली पर। उनकी तस्वीरें लगभग एक तरह की होती हैं और ये तस्वीरें किसी भी चीज पर बन सकती हैं। इस्तांबुल की तस्वीर रहस्यमयी है। ये शहर कभी नहीं सोता, हर पल अपने साथ नया अनुभव लाता है। जिसे इस्तांबुल पसंद है वो इसे पूछता है। आप यहाँ सदियां बिता सकते हैं लेकिन आप इस शहर को सही तरह कभी नहीं समझ पाएंगे। En önemli sebeplerinden bana göre bu. प्रेरणा की जरूरत हो तो हसन इस्तांबुल की उस जगह पहुंचते हैं जहां परंपरा और आधुनिक जीवन मिलते हैं। फैशनेबल मोहल्ले बेयोलू और फाती के बीच गलाता पुल। पुल के पास की ये मीनार हसन कई बार बना चुके हैं। वक्त बुलदुकचा हमारे में 2 दिन। गलाता मीनार मेरा हिस्सा है। काम पर जाते वक्त रोज मैं इसे देखता हूँ। जब मेरे पास वक्त होता है तो मैं हर दूसरे दिन मीनार जाता हूँ, वहाँ कॉफी पीता हूँ। ये मेरी यादों में इतना बस चुका है कि मुझे ये अपने हिस्से जैसा लगता है। हसन अपनी तस्वीरों में पुराने इस्तांबुल को बनाकर शहर के इस हिस्से को अमर करना चाहते हैं। फाते इलाके में हाजिया सोफिया भी उन इमारतों में से है। पहले तो ये एक चर्च था, फिर ये मस्जिद बना और आज संग्रहालय है। आप इसे शब्दों में जाहिर नहीं कर सकते। ये इमारत अलग अलग संस्कृतियों और धर्मों को साथ लाती है। ये 1500 साल से ज्यादा पुरानी है और शहर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में है। इस तरह की इमारत की तस्वीर बनाकर मैं इस्तांबुल की खूबसूरती को लोगों के करीब लाना चाहता हूँ। Ben de daha fazla insanlara gitmeye çalışıyorum. इस खूबसूरती को जैसे अपनी आंखों में बसाकर हसन घर जाते हैं और सीधे दिमाग से इसकी तस्वीर बना लेते हैं। सांस रोकने पर ही उनके हाथ सही तरह काम करते हैं। छोटे से कैनवस पर महीन कारीगरी में लगते हैं 3 दिन। अगर इस्तांबुल का कोई मेहमान मेरी इन छोटी तस्वीरों में तोपकली महल, किशोरी मीनार, हाजिया सोफिया या गलाता मीनार को पहचान लेता है तो मेरे लिए सबसे अच्छी बात है। इसीलिए मेरे लिए किसी और शहर की तस्वीरें बनाना बहुत ही मुश्किल है। हसन के पास कुछ और आइडिया भी हैं, जैसे आधुनिक तुर्की को बनाने वाले कमाल अतातुर्क की तस्वीर चावल के एक दाने पर। उनका कैनवस कभी खरबूजे का बीज है तो कभी कॉफी की फली।